आज दोनों का तलाक हो चुका था। वह दहेज का सामान लेने आखिरी बार घर आई थी। दिव्यांश से प्रेरणा की शादी को 10 वर्ष हो गए थे। वे 6 वर्ष साथ रहे और 4 वर्ष तलाक की कार्रवाई में गुजर गए। घर में प्रवेश करते ही प्रेरणा का दिल धक धक करने लगा। इतनी सी तस्से बनाया था दोनों ने यह घर। दिव्यांश बोला, जो चाहे ले जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। ये कहकर वो बेड पर पसर गया। शायद वो रो रहा था। प्रेरणा को ऐसा लगा मगर वो घर की हालत देखने में लग गई। सारे घर में मकड़ी के जाले थे। प्रेरणा का दिल बैठ गया। कितना साफ सुथरा रखती थी वो घर। गहनों से भरा बैग दिव्यांश के पास रखकर बोली, अपने गहने संभाल लो। वो मुंह के बल बैठ कर पड़ा। बोला, नहीं चाहिए, तुम ही ले जाओ, मुसीबत में काम आएंगे। वो कुछ नहीं बोली, गहनों से भरा बैग छोड़कर पार आ गई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। फिर कुछ देर बाद में दहेज का सारा सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। प्रेरणा की घर वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। वो आखिरी बार दिव्यांश के कमरे में गई और बोली, देख लो, अपना ही ले जा रही हूँ। वह रोते रोते खड़े हुआ और प्रेरणा के पैरों में गिर गया। बोला, माफ कर दे, मत जा। वह 4 साल से इसी माफी का इंतजार कर रही थी। रोकर बोली, पहले ही मांग सकते थे। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मौका ही नहीं दिया। गुस्से में हाथ उठ गया था। हाथ में चप्पल उठाकर बोला, आज बदले में 10 मार ले, मगर छोड़ कर मत जा, जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। वह दहाड़ी मारकर रोने लगा। सारे गिले शिकवे दो पल में दूर हो गए। प्रेरणा ने तलाक के कागज फाड़ दिए और दिव्यांश के सीने से चिपक कर रोने लगी। बोली, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। धन्यवाद।